हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि पीटीईटी की रिजल्ट वगैरह आ चुके हैं तो उसका कट ऑफ क्या है, तो वो अगर आपको जानना है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो ज़्यादा ना समय लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। आपका जहाँ पे भी क्रोम ब्राउज़र है तो आप ओपन कर लें, ठीक है। ओपन करने के बाद में आपको प्लस पे आना है। प्लस पे आने के बाद में आपको सर्च करना होगा। जैसे ही क्रोम ब्राउजर में आएंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर लेंगे ptetraj2022.org। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इसका, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम जैसे इसको सर्च करेंगे तो जिसका सबसे पहला जो लोगो आएगा, ठीक है, ये वाला आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो मेन प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, मेन प्रश्न आ गया। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि बीएड है, यहाँ पे एक तो 4 साल का होता है कोर्स, एक होता है 2 साल का। 2 साल वाला कोर्स वो है जो ग्रेजुएट होने के बाद में, जैसे बीए फाइनल या बीएससी है ना, तो बीकॉम वगैरह करके उसके बाद बीए होता है, वो 2 साल का होता है। जो प्लस टू, ठीक है, 10वीं और 12वीं के बाद में जो किया जाता है वो 4 साल का होता है। तो ठीक है, हम जिसका रिजल्ट चेक कर रहे हैं वो 2 साल वाला है, तो इसके ऊपर हम ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा आ चुका पीटीटी 2012, और यहाँ पे जो एलिजिबल मतलब दिया हुआ ग्रेजुएट, ठीक है। तो हम पीटीटी रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट के ऊपर ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि जो पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे रोल नंबर डालना पड़ेगा फर्स्ट वाले में, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई रोल नंबर है, ओके, मैंने बता दिया उदाहरण में। उसके बाद डीओबी है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं एक सर्च रोज में दिखा दूंगा तुम्हें करके सर्च, यहाँ पे आप देख सकते हो उसने ग्रेजुएट कौन से साल में किया है। उसके बाद इसको प्लस में कर देना है, ठीक है, और प्रोसीड पे ओके कर देंगे, ठीक है। ये तो एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये कि इसके बाद आप नाम डालेंगे यहाँ पे, इंटर नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और प्रोसीड पे ओके करेंगे, ठीक है। हम जैसे ही यहाँ पे नाम डालते हैं, जैसे मान लीजिए सुनीता डाला, मदर का नाम हमने डाल दिया राजू, डीओबी हमने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो कौन से सन में पाउट हुआ 2012 में, तो प्रोसीड पे जैसे ही हम ओके करेंगे तो रिजल्ट है जो आ जाएगा। जैसे ही ओके किया हमने, ऐसे ये डैशबोर्ड आ चुका, रिजल्ट जो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन दिया हुआ, जैसे कि ए सेक्शन, उसमें 185 अंक दिए, बी में 122, सी में 72, और उसके बाद में दिए हुए हैं टी में 78, तो दोनों मिला के 377 है, ठीक है। जो काउंसलिंग आईडी है मैंने यहाँ पे थोड़ा छुपा दिया और नाम को छुपा दिया, इस वजह से ब्लर कर दिया है। बाकी यही कि मैं कहता हूँ कि अगर ओबीसी से हैं तो 350 के आसपास आराम से आ जाएगा उनका नंबर। अगर आप अपनी चॉइस के कॉलेज को भरते हो, आप अपनी चॉइस का, तो ज़रूर आपका चॉइस का कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो आप ये चीज का ध्यान रखें हमेशा कि आपको अपनी ही चॉइस का कॉलेज भरना अगर आपके इतने नंबर आते हैं। रही बात फीस की अगर वीडियो वगैरह चाहते हो और आप क्लियर से अगर समझना चाहते हो इस वीडियो के बारे में और पीटीटी के बारे में, और ठीक है, कब इसके कट ऑफ के बारे में या रिजल्ट और भी काउंसलिंग किस तरीके से नंबर आएगा या काउंसलिंग वगैरह, अगर कोई भी कमेंट और सुझाव अगर आपके मन में हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो भी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद।